हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन को कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले कि अगर आपने बच्चों कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स देख लो बच्चों, जिससे कि इन डिटेल्स सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट पार्ट पे पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है बच्चों, ठीक है। तो चलो, आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। आज हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व और देखते हैं कैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड करके आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। चल तो लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, राइट। यूनिट डिजिट्स क्या होता है हमको पहले ये समझना। यूनिट मतलब क्या होता है भाई? तो पहली जो डिजिट होगी ना, लास्ट की पहली, फर्स्ट की पहली नहीं, लास्ट की पहली, उनको क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट, ओके? आगे क्या कह रहे हैं देखो, ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, राइट। देखो क्या रहे, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नंबर्स आपको दिया हुआ है ना, उनके जो यूनिट डिजिट है उनका स्क्वायर करोगे तो क्या नंबर आएगा वो आप मुझे बताओ। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि जो भी आपको डिजिट दिया हुआ है उस डिजिट के जो लास्ट यानी यूनिट डिजिट है उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो आपको आंसर देना है। तो चलिए देते हैं इनको आंसर्स। पहला हमें दे रखा है 81, तो देखो 81 को क्या करोगे आप, 81 से स्क्वायर करोगे, है ना। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1, तो क्या आएगा बच्चों, 1 ही तो आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। बाकी डिजिट हमसे पूछ नहीं रहा, ये हमसे पूछ रहा है यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 ही आएगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 आएगा, राइट। चलो दूसरा चेक करते हैं। देखो बच्चों 272 है, तो 272 को 272 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। तो यूनिट को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसमें देखिए बच्चों, यहां पे 9 को, 9 को आप क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 81। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, क्योंकि हमें पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट को स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर आएगा उनका यूनिट नंबर ही लेना है, है ना। तो देखो 9 का स्क्वायर किया तो 81 आया, 81 का यूनिट क्या है, 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। चलो अब इससे हम देखते हैं, देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया, 9, तो इसका आंसर क्या होगा, 9 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बिना देखे बता सकते हो आप, 4 का स्क्वायर करोगे 4 इंटू 4 क्या होगा, 16, तो 16 का आंसर क्या हो गया, 4th, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर करोगे 7 इंटू 7 क्या हो गया, 49, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, 9। क्लियर आ रहा है समझ में ना, यूनिट को स्क्वायर करके उनके यूनिट लिख देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है ना, आसान। चलो अब इसको देखते हैं, 8 का, 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 8 जा 64, है ना। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 64, तो 4 इसके यूनिट होंगे, तो इसके आंसर क्या होंगे, 4, आप खुद ही बता सकते हो। 0 का आंसर क्या होगा, 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, है ना, 6 जा 36, तो 66 का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 है, तो 5 जा 25, है ना, 25 होता है ना, तो 5 इसके आंसर हो जाएंगे, राइट, क्या होगा, 5 इनके आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया, मजा आया ना बच्चों, गुड। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव द रीजन। अब ये हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये फॉलोइंग नंबर्स आपको दिए हुए हैं और हमसे पूछ रहा है कि आप बताओ इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए बच्चों हमने फर्स्ट लेक्चर्स अपलोड किए हैं आपके लिए, फर्स्ट में ही हमने बताया है कि परफेक्ट नंबर्स क्या होता है ना, और परफेक्ट नंबर होने के लिए क्या कंडीशंस है, और नॉन परफेक्ट कब होता है, उनके मैंने कई प्रॉपर्टीज 7 या एटलीस्ट 10 प्रॉपर्टीज मैंने लिखाया है कि किस केसेस में हम इनको परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे और किस केसेस में परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहेंगे। अगर आपने वो देख रखा है तो आप इनको देखते ही सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चों मैं यही कहूंगा कि आप इस वीडियोस को रोक दो, अब पहले वो वीडियोस कॉन्सेप्ट का देखो जिससे कि आप कैसे भी डिजिट
यहाँ तो कुछ गिने चुने डिजिट दे रखे हैं, आपको और भी कई डिजिट दे दिया जाए तो आप उनको कर पाएंगे सॉल्व, ठीक है। आई होप आप वही कर रहे होंगे। चलो तो देखते हैं क्या है पहला। पहला देखो बच्चों क्या है कि 1057 है, इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 57। तो याद करो मैंने पहला ही कॉन्सेप्ट, पहली प्रॉपर्टीज बताया था कि उसमें अगर किसी भी कोई भी नंबर दे रखा होगा, अगर उनके यूनिट डिजिट पे, राइट, यूनिट डिजिट पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और बच्चों 8 आ जाए, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जिसके इंड में या यूनिट डिजिट कह लो आप, तो 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्या होगा? कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 7 है, तो क्या बोलोगे, रीजन क्या दोगे, इट्स यूनिट, यूनिट डिजिट्स, डिजिट्स क्या है बच्चों 7, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखा है। चलो गुड, अब यहाँ पे भी बच्चों सेम आ जाएगा, यही लिख देंगे इट्स इन विद, या भी यही लिख सकते हो इट्स इंड, इन विद क्या है बच्चों, इंड किससे कर रहे हैं 3 से कर दो, ये स्टेटमेंट लिखो, ये स्टेटमेंट कोई बात नहीं बच्चों सब वही है। यहाँ पे भी देखो क्या है 4 8 है, तो 8 होगा तो क्या लिखेंगे, इट्स इन विद, इट्स इंड, इन विद क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 2 है, तो वही सेम बातें हैं, इट्स इंड, इन विद क्या होगा बच्चों 2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पे देखो जीरो वाले कॉन्सेप्ट आ गया है ना, तो जीरो के लिए, इनके लिए भी मैंने प्रॉपर्टीज आपको बता रखा है कि अगर कोई भी नंबर हो, अगर उनके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरो आता है, क्या ऑड नंबर ऑफ जीरो बच्चों, याद करो ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर ऑफ जीरोस बताया था है ना, अगर ऑड नंबर जीरोस होता है ना तो वो नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसके यूनिट यानी यूनिट डिजिट में ऑड नंबर ऑफ जीरोस आता है तो वो नंबर दे विल बी नेवर परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलो तो अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखो कितने जीरोज है, 3 जीरोज है, तो 3 जीरोज होगा तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, क्योंकि क्या है ये 3 जीरोज है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे लिखोगे बच्चों इट्स इन विद 3 जीरो, क्या है बच्चों 3 जीरोज है इस वजह से नहीं हुआ, हाँ अगर 2 जीरो होता तो हो जाता है ना, क्योंकि 3 जीरो है, 3 जीरो क्या होता है ऑड नंबर हो जाता है, तो ऑड नंबर तो होगा ही नहीं। चलो आगे देखते हैं, यहाँ देखो 2 है, तो 2 के लिए भी प्रॉपर्टीज बताया, तो आप बोल सकते हैं इट्स इन विद 2, 2 से इंड हो रहा है, यहाँ पे भी देखो बच्चों 3 जीरोस हैं, तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट आएगा इट्स इन इन विद 3 जीरो, ठीक है ना, क्या होगा 3 जीरोस आ रहा है इस वजह से, यहाँ पे भी क्या है इट्स इन विद, देखो 1 जीरोस आ रहा है ना, इन विद 1 जीरोस है ना, 1 जीरो तो 1 जीरो तो ऑड ही नंबर होता है ना, तो आप 1 जीरोस कह सकते हो। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया, मजे आ रहे हैं ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लो, प्रॉपर्टी जरूर याद करो बच्चों, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।